दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का खर्चा कौन उठाता है? दोस्तों, 2024 के चुनाव सर पर हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, देश से जुड़े कई सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो कोई ये दावा कर रहा है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है। अब जैसे ही इस तरह की बातें हम सुनते हैं, हमें लगता है कि वाह, देश की सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। और इन्हीं सब के बीच एक और जानकारी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो ये कि मोदी जी जिन पर महंगा खाना और महंगे कपड़े पहनने का आरोप लगता था, वो अपने खाने का खर्च भी खुद ही उठाते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ये सारी बातें लोगों के सामने आ रही है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आए दिन बड़े बड़े न्यूज चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई सारे किस्से कहानियां लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली और उसमें ये बताया कि मोदी जी अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं, एक भी पैसा किसी से नहीं लेते। और जब ये बात सामने आई है तो लोग हैरत में पड़ गए और ये सवाल कर रहे हैं, अगर मोदी जी अपना सारा खर्च खुद उठाते हैं तो उनकी सैलरी कितनी है? क्योंकि एक इंसान के खर्चे का अंदाजा तभी हो सकता है ना जब ये पता चले कि उस इंसान की इनकम कितनी है। ऐसे में अगर हम अखबार और न्यूज चैनल द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से बताएं तो मोदी जी को 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जिसमें से 40,000 रुपए इनकम टैक्स में कट जाते हैं, 1,60,000 उनकी सैलरी होती है। लेकिन उसमें भी कई सारे पैसे कटपिट करके उनके हाथ में 50,000 रुपए आते हैं। दोस्तों, ये हमारा नहीं बल्कि आज तक न्यूज चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को साइड में रख दें और ये मान लें कि मोदी जी के हाथ में पूरे के पूरे 2 लाख रुपए उनकी सैलरी के आते हैं, तो क्या वो अपना खर्च उठा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जिस हिसाब से हम मोदी का खर्चा देखते हैं वो तो सच में चौंका देने वाला है। अगर हम मोदी जी की संपत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों, आज तक की खबर बताती है कि मोदी जी के पास 1.5 करोड़ का एक प्लॉट था और बाद में खबर आई कि अहमदाबाद में मौजूद इस प्लॉट को मोदी जी ने दान कर दिया। बताया जाता है कि मोदी जी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। ऐसे में ले देखें तो उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं और ये सब उन्होंने लिखवाया तब जब मोदी जी चुनाव से पहले अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे थे। इसके अलावा 2,23,00,000 रुपए उनके पास है। पर दोस्तों, सोने की अंगूठियां दिखाने वाले मोदी जी के पास मोवाडो की स्विस घड़ी भी है जिसकी कीमत 40,000 से शुरू होती है। इससे भी आगे चले जाएं तो मोदी जी के पास मॉन्ट ब्लैंक का एक ब्रांडेड पेन है। ये पेन अमिताभ बच्चन से लेकर मुकेश अंबानी तक सभी बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही खास पेन होता है जिसकी कीमत 1.5 लाख के करीब होती है। इसके अलावा दोस्तों, बल्गरी नाम का इटालियन ब्रांड है। इस ब्रांड का एक चश्मा कम से कम 30,000 का आता है। इस चश्मे को पहने आप लोगों ने मोदी जी को कई बार देखा होगा, वो भी एक नहीं बल्कि इस तरह के कई सारे चश्मे मोदी जी के पास है। यानी अगर इनकी घड़ी, चश्मा और पेन की कीमत लगा दी जाए तो वो अकेले लाखों में आ जाती है। और अगर मोदी जी के कपड़ों की बात करें तो उनकी चर्चाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जहां एक तरफ लाखों में तो उनके द्वारा पहने गए कपड़े नीलामी में बिक जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ये कितने महंगे कपड़े सिलवाते होंगे, क्योंकि नॉर्मल तौर पर लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मोदी जी अपने कपड़े अहमदाबाद के एक साधारण से टेलर से सिलवाते हैं। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो कोई साधारण टेलर नहीं है बल्कि 150 करोड़ की एक पूरी कंपनी है जिसका नाम है जाडे ब्लू। अहमदाबाद की कंपनी में काफी लग्जरी सूट वगैरह सिलवाए जाते हैं। इस कंपनी के दोनों मालिक आते हैं और मोदी जी का नाप लेकर उन्हीं की पसंद के फैब्रिक से उनके कपड़े तैयार करते हैं। अब अगर कोई आम इंसान इस कंपनी का नॉर्मल से नॉर्मल सूट भी खरीदने जाए जो रेडीमेड मिलता है, वो 15,000 से कम का नहीं मिलता। और अगर अपने कस्टमाइज करवाए तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। पर यहाँ तो मोदी जी के सारे कपड़े यानी उनके जितने भी सूट वगैरह है वो सब कस्टमाइज किए जाते हैं, उनके हिसाब से बनते हैं। लेकिन फिर भी हम 15,000 रुपए का सूट मानकर चलते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि मोदी जी दिन में एक ही कपड़ा पहनते होंगे, उसे 2 बार नहीं बदलते होंगे। और हमने कभी भी मोदी जी को कोई कपड़ा रिपीट करते हुए नहीं देखा, वे हमेशा नए नए कपड़ों में देखने को मिलते हैं।
इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मोदी जी महीने में 30 बार सूट बदलते हैं तो केवल उनके कपड़ों का खर्च ही 4.5 लाख रुपए होगा। मतलब आप सोच लीजिए, जिस इंसान के कपड़ों का खर्च उसकी सैलरी से दुगुना है, वो भला कैसे अपना सारा खर्च उठाता होगा। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो कभी ये सब कहा ही नहीं। ये बात तो संबित पात्रा जी ने कही है, और हो सकता है कि उन्हें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी। वो आते आते मोदी जी को खाने पीने के खर्च के लिए खुद से पैसे देते हुए देखते होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बात भी कह दी होगी। हम यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से किसी को झूठा या सच्चा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात मार्केट में फैलाई जा रही है वो गलत है, क्योंकि अगर सरकार मोदी जी के खाने पीने पहनने ओढ़ने का खर्च दे रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो इंसान पूरे देश की जिम्मेदारी संभाल रहा है उसके लिए इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को लेकर झूठ बोलना ताकि लोगों के मन में मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए इज्जत और बढ़ जाए, ये गलत है। देश की जनता बहुत समझदार है, उसे मालूम है क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए लोगों को गुमराह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।